हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं आप सभी से कुछ चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ। पिछले दिनों मैंने काफी प्रेगनेंसी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोगों से मिला है। और बहुत लोगों ने वहां पे क्वेश्चन किया है कि हमारा मतलब सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, हमारे जो ट्यूब्स हैं वो खुले हुए हैं, हमारा पीरियड्स रेगुलर आ रहा है, हमारा थायराइड सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी हम कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मतलब लोग काफी काफी सालों से ट्राई कर रहे हैं और फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बोलूंगी कि जो मैंने महसूस किया है इतने दिनों में और जितना मैंने स्टडी किया, जितना पढ़ा है, जितनी नॉलेज मैंने गेन की है, उसके हिसाब से मैं कुछ चीजें समझ पाई हूँ, जो चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल बटन जरूर दबा लेना, बेल बटन नहीं दबाओगे तो मेरे न्यू अपडेट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, तो प्लीज जरूर बेल बटन दबा लेना। हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इसका रीजन ये है, देखिए जहां तक मैं जानती हूँ, इसका रीजन ये हो सकता है, अगर आपके ट्यूब्स खुले हुए हैं, जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या HSG करवाते हैं, उसमें जो ट्यूब्स की साइज से दिखाते हैं वो नॉर्मल दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी वो ट्यूब्स का जो वो मुंह होता है ना, वो मुड़ा हुआ होता है, या आपका यूट्रस का मुंह थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, ये सारी परेशानियों की वजह से भी प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। दूसरा, अगर आप ओवरवेट है तो ऑफकोर्स आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। ओवरवेट होना भी एक तरह की परेशानी है। ओवरवेट होने से आपकी बॉडी में ना सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बल्कि और भी तरह की बीमारियां आपकी बॉडी में जाती है, और भी तरह की बीमारियां होती हैं। तीसरा रीजन ये है कि जब आपका फर्टाइल पीरियड होता है, ओवुलेशन डेज होता है, उन दिनों में शायद आप हस्बैंड वाइफ उस दिनों में करीब ना आते हो। और इसके अलावा अगर आते भी हो तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं, और हमें और ऐसा होता है कि हमारा जो हम जो रिलेशन बनाते हैं वो रिलेशन सही से नहीं बना पाते हैं, ये भी एक मेन रीजन है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग रिलेशन बनाते हैं फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो रीजन इसमें ये भी है कि कभी कभी हम समझते नहीं है। देखो क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ प्यार तो एक दूसरे को बहुत करते हैं, लेकिन क्या होता है जब इंटीमेट होने का टाइम होता है ना, तो मेल फीमेल दोनों को ही उस टाइम प्रॉब्लम होती है, और उस टाइम दोनों एक दूसरे से वो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। या ये भी हो सकता है कि उस मोमेंट को आप इंजॉय ना कर पाए, और इंजॉय ना करने की वजह से जब आप ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक से नहीं हो पाता है। और बहुत लोगों को बहुत उस समय मतलब रिलेशन बनाने के टाइम में परेशानियां भी आती है, पेन की शिकायत होती है, जो फीमेल्स है उनको पेन की शिकायत होती है या उनको जलन की शिकायत होती है, तो ये भी एक रीजन है। चौथा रीजन ये भी है कि जब आपको यूरिन इन्फेक्शन हो या बहुत जल्दी जल्दी आपको इन्फेक्शन होने लगते हैं, फीमेल खासकर फीमेल को बोल रही हूँ, उनको अगर बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगते हैं तो ये भी एक रीजन है जिससे आपको कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि इन्फेक्शन होने से जो हमारा जो सिस्टम है अंदर का वो भी इन्फेक्टेड होता है, और उस समय कंसीव करने में बहुत परेशानियां आती है। तो अगर आपको इन्फेक्शन है किसी तरह की, तो आप इंस्टेंट डॉक्टर को दिखाएं और पहले उसका इलाज कराएं अच्छे से। कभी कभी ये इन्फेक्शन हस्बैंड से भी हमें आ जाती है। इसका रीजन ये भी होता है कि हम लोग बाहर कहीं भी टॉयलेट चले जाते हैं, और जब किसी और के टॉयलेट के ऊपर आपकी टॉयलेट होती है ना, तो सामने जो पहले से जिन्होंने टॉयलेट कर रखा है उनके जो जर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो हमें समझ में नहीं आता, वो 6 मीटर ऊपर तक उड़ते रहते हैं, तो वो अंदर मतलब हमारे जो इंटीमेट एरिया है, जो हमारे वजाइनल एरिया है, या मेल के या फीमेल के जो है उनके अंदर वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो
इन्फेक्शन दे देते हैं। इन्फेक्शन देने की वजह से भी कभी कभी हस्बैंड के थ्रू वो हम में आ जाती है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि कोशिश करें कि बाहर के वॉशरूम में आप ना जाएं, और अगर इनकेस जाना भी पड़े तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन वगैरह अपने साथ रखो। आप टॉयलेट सीट आती है उसको यूज करो, और भी चीजें मतलब थोड़ी डिटॉल वगैरह अपने साथ रखो ताकि उस टाइम उसको यूज किया जा सके। अगर फीमेल्स को मैं बोलूंगी कि अपने साथ वाइप्स रखो, एक अच्छा वाइप्स रखो जिससे अपने आप को आप क्लीन करो ताकि संग आपके जर्म्स जो होंगे वो खत्म हो जाए वहीं पे। और खाने पीने की भी आपकी परेशानी, आप लोग सही डाइट नहीं लेते। हमारे बॉडी को जितनी प्रोटीन जितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना हमें नहीं मिलता है, तो ये भी एक रीजन है जिससे हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये थे कुछ रीजन, जितना मैंने जाना है समझा है, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने समझा है उतना चीजें आपको बता पाई हूँ कि आपका हो सकता है कि आप में सब कुछ ठीक हो और फिर भी इन रीजन की वजह से आप नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे हो। तो कोशिश करो इन सब चीजों को अवॉइड करने की, इन सब चीजों से दूरी बनाने की, और आप जरूर कंसीव करोगे, जरूर कंसीव करोगे। अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल कंसीव करोगे। तो प्लीज होप मत खोना, आप लोग कभी कोई होप मत खोना, और जब तक उम्मीद है तब तक दुनिया है। तो समझो कि उम्मीद पे दुनिया चलती है, तो आप इस चीज को मानना जरूर और होप मत खोना, ऊपर वाला सबकी गोद भरे। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज लाइक कर लेना। चैनल पर अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना, और हाँ मेरे सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, वहां पे भी अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं। सेकंड चैनल का नाम है लाइफ विद रितु, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में दे दूंगी। तो फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।